और ये ना शादी में जा रहे हैं, कार देने जा रहे हैं, अलाउ नहीं है। कोई शादी है उसका खुद के शादी और कोई व्यवस्था की बात है वो अपन कर सकते हैं, लेकिन कार देने जा रहे हैं और वैसे ही घूम रहे शादी के नाम पे अलाउ नहीं है। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. देखिए, रविवार शाम को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम धर्मगुरुओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ में जब बैठक ली अधिकारियों के साथ, तो उसमें कई संभागों के अधिकारी भी शामिल हुए थे, जिसमें अजमेर के भी अधिकारी शामिल हुए थे। और जब बैठक ख़त्म हुई है तो उस बैठक के बाद अजमेर संभाग के जो संभागीय आयुक्त हैं, अजमेर के जो IG हैं, SP हैं, कलेक्टर हैं और निगम के जो कमिश्नर हैं, ये तमाम अपने अधिकारियों के साथ शहर के दौरे पर निकले हैं। और रात तकरीबन 8 बजे जब शहर के दौरे पर अधिकारी निकले हैं, तो अधिकारियों ने इस बात को देखा है कि कैसे शहर के अंदर नाकाबंदी की गई है, किस तरीके से चेक पोस्ट के ऊपर चेकिंग इस वक्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो तस्वीर नज़र आ रही है, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से संभागीय आयुक्त ने बकायदा जो रजिस्टर में चालान काटने के बाद में जो एंट्री दर्ज की जाती है, उन एंट्रियों को देखा है पुलिस के चेक पोस्ट के ऊपर, ये जवानों से ये पूछा है कि आखिरकार आज उन्होंने कितने चालान काटे हैं और किस तरीके के चालान बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान बकायदा संभागीय आयुक्त ने एक शख्स को यहाँ पर गाड़ी के ऊपर अपने परिवार के साथ पकड़ा है, जो शादी के कार्ड को वितरित करने के लिए जा रहा था। और ये बेहद चौंकाने वाली बात है, इस बात पर संभागीय आयुक्त ने कड़ी नाराज़गी भी जाहिर की है और उसमें सख्ती से पेश आते हुए जो पुलिस के जवान उस वक्त मौजूद थे, उन्हें कहा है कि इनका चालान बनाइए, इनके साथ समझाइश कीजिए, इनको जागरूक कीजिए कि जब कर्फ्यू का वक्त है तो इस कर्फ्यू के वक्त के दौरान इस तरीके से शादी के कार्ड बांटने के लिए लोग घर से बाहर ना निकले। सबसे बड़ी बात है कि जब बैठक ख़त्म हुई, उस बैठक से सीधे दरगाह के बाहर का इलाका जो है उसको यहाँ पर देखा गया है। वहाँ पर संभागीय आयुक्त ने पुलिस के अधिकारियों से पूछा है कि आखिरकार दरगाह में क्या किसी प्रकार से जायरीनों की या किसी प्रकार से लोगों की एंट्री दरगाह में हो रही है क्या। तो इस पर स्पष्ट जवाब पुलिस अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त को दिया है कि सिर्फ जो दरगाह से जुड़े हुए जो खादिम हैं, जिन लोगों को पूजा की इबादत की अनुमति दी गई है, उन्हें ही सिर्फ यहाँ पर जाने की अनुमति है, जिसमें 15 से 20 लोगों की संख्या जो है वो बताई गई है। और उसके बाद बाकी की जो चेक पोस्ट है, वो उन तमाम चेक पोस्ट का दौरा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम दौरों के दौरान संभागीय आयुक्त ने राह चलते ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ था, और उनके ऊपर सीधी कार्रवाई करने के लिए पुलिस के जवानों को संभागीय आयुक्त ने मौके पर ही निर्देश भी किया है। तमाम जगह की चेक पोस्ट को देखा है, वहाँ पर जाने के बाद संभागीय आयुक्त ने और अजमेर के जो SP हैं, IG हैं, उन्होंने अपने तमाम पुलिस के जवानों को ये निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी शख्स बिना मास्क के अगर दिखाई देता है तो उसका चालान बनाया जाए, उस पर किसी प्रकार की ढिलाई और कोताही ना बरती जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी तमाम प्रदेश के तमाम नागरिकों को और अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से मास्क नहीं पहनने वाले लोग जो हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके ऊपर सख्ती बरती जाए। इस पूरी बैठक के दौरान, जो बैठक से बाहर आने के बाद संभागीय आयुक्त ने ये बात का भी जिक्र किया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगाने का कोई जिक्र नहीं किया है, लॉकडाउन के ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। राजस्थान में अभी दूसरे राज्यों जैसे हालात नहीं हैं, इसीलिए राजस्थान में फिलहाल मास्क ना लगाने के ऊपर सख्ती जो है वो बहुत ज़्यादा की जाएगी। इसके लिए अधिकारी दौरे भी कर रहे हैं देर रात तक। बाकी की तमाम जो चेक पोस्ट हैं
उनका भी जायजा फिलहाल लिया जा रहा है। लेकिन अब आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी सरकार की कोविड को रोकने के लिए, संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर एक नई गाइडलाइन के ऊपर तैयारी चल रही है। वो नई गाइडलाइन आ भी सकती है, और उसके साथ साथ हमारे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से भी एक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है, क्योंकि कई प्रदेशों के अंदर हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। लेकिन अजमेर में प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो चुका है। बैठक खत्म होने के बाद में जिस तरीके का दौरा है, दौरे में जिस तरीके से चेक पोस्ट को चेक किया जा रहा है, वहां के जो रजिस्टर हैं उनको चेक किया जा रहा है, और उसके बाद में पुलिस के जवानों को बाकायदा ये निर्देशित किया जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स बिना कारण और बिना मास्क के नजर आता है तो उस पर किसी प्रकार की नरमी ना बरती जाए। सभी को हम लोग अभी कई जगह हम जाकर आए हैं, और कई जगह जाकर जब आए हैं तो सभी जगह मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और वो सब लोग जो अपने हाथ धोएं, ये सब सारा काम करने के लिए सभी को हम कह रहे हैं। अभी पूरे शहर में लगा रहे हैं, पूरे शहर में लगा। मतलब क्या उद्देश्य? ऐसा है, अभी हम रात को चेक पोस्ट देख रहे हैं, चेक पोस्ट देखने के हिसाब से फिर ये देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा रजिस्टर में क्या काम हुआ है, किस हिसाब से क्या काम हुआ है, वो सब हम क्या क्या आपको देखने। देखिए ऐसा है, जो हमने वहाँ पर देखा था उसमें हमें 37 मिले थे, अभी जो और दूसरी जगह देखा है वो हमें यहाँ 32 मिले हैं, तीसरी जगह जब देखा था वहाँ हमें करीब 38 मिले हैं। इस प्रकार से काफ़ी अरे ना, शादी में जा रहे हैं, कार देने जा रहे हैं, अलाउ नहीं। कोई शादी है उसका खुद के शादी और कोई व्यवस्था की बात है वो अपन कर सकते हैं, लेकिन कार देने जा रहे हैं और वैसे ही घूम रहे शादी के नाम पे, अलाउ नहीं। तो चालान की उसका कार्ड, उसमें डेट और लिखी होगी कौन से तारीख की शादी है, 50 की बैरिकेड लगा रखे हैं, इसमें एंट्री करनी है, पूछना है किस कारण से निकला हुआ है, अब जो बिना कारण घूम रहा उसके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन उनका ये है कि भाई वो कार्ड देने के लिए जा रहे थे, क्या तरीका होता है ये कार्ड देने का? दवाई लेने जा रहा है तो वो अच्छा, मास्क बिना मास्क के ज्यादा ज्यादा कार्रवाई करनी है, जिसका जिसने मास्क नहीं लगा रखा है ना उस पर कार्रवाई पूरी करनी है। कल क्या काम करो?